जी तो अब हमने दोबारा अपना सफ़र मकरान कोस्टल हाईवे पे स्टार्ट कर दिया हुआ है। जब से हम हिंगोल नेशनल पार्क में एंटर हुए हैं तब से एक मज़ेदार और बेहतरीन किस्म की लैंडस्केपिंग हमारे साइड्स पे चल रही है और मैंने आज तक इस तरह की लैंडस्केपिंग जो पहाड़ हैं वो नहीं देखे और ये अब मैं देख रहा हूँ और बहुत ही मुझे अट्रैक्ट कर रहे हैं और बड़े खूबसूरत किस्म का मंज़र है। चंद्रगुप्त से तकरीबन 40-45 मिनट के बाद हिंग लॉज मंदिर आता है जिसका सुना है कि बहुत ही खूबसूरत किस्म का रास्ता है और यहाँ पर बहुत पुराना ये मंदिर है। और अब इसके बाद तकरीबन चंद्रगुप्त से हमें चले हुए तकरीबन 50 मिनट्स हो गए हैं, तकरीबन एक घंटा होने वाला है। तो ये कुंडमलीर बीच मेरे ख्याल से आने वाला है। अकीक भाई मुझे बता रहे हैं कि यह कि कुंडमलीर जो बीच है वो आने वाला है और यहाँ पर हम थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, चाय शाय पियेंगे, अपने आप को रिफ्रेश करेंगे अपने अगले सफ़र के लिए। जी तो ख़वातीन हज़रात, अब इस टाइम हम हैं, गैस करें कहाँ पर हैं, गैस कैसे कर सकते हैं आपको बताएंगे तो पता लगेगा। अभी हम लोग मौजूद हैं कुंडमलीर में और अभी से पहले हमने ब्रेक की थी वॉलकैनो, मड वॉलकैनो उसका पहाड़ का नाम है, अकीब भाई बता सकते हैं, मुझे भूल जाता है नाम है जी। चंद्रगुप्त टू में हम लोग हैं, चंद्रगुप्त मड वॉलकैनो जी जिस पर ये चढ़े थे वो चंद्रगुप्त मड वॉलकैनो टू था, उसके साथ चंद्रगुप्त वन भी था छोटे वाला, उसके आते हैं एक और भी इसके अलावा भी है, तो एक्टिव जो है वो ये वाला है। ये वाला अच्छा अच्छा। तो अभी हम चाय के लिए ब्रेक लिए रुके हैं, तो अभी हम निकलेंगे आगे और सुबह हम 4 बजे के निकले हैं ऑलमोस्ट कराची से और इस टाइम 10:30 हो रहे हैं। तो बाइक दे रही है भाई फुल टाइम मज़ा, बेशक उसकी रनिंग पूरी हो रही है स्लो चला रहे हैं हम लोग, लेकिन जो मुझे जो फील हो रहा है ना भाई वी आर से इधर कन्वर्ट होके फील नहीं हो रहा कि इतना कर लिया। और आपको क्या हो रहा है, आपकी तो हमें इधर उधर के जा रही है बहुत चल रही है तो फिर मिलते हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट पे इंशाल्लाह। तो चाय शाय ख़त्म कर लें हम पीते हैं और फिर मिलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। कुंडमलीर शहर को जैसे ही क्रॉस करते हैं थोड़ा सा आगे कुंडमलीर बीच का एक व्यू पॉइंट बना हुआ है जो कि बड़ा खूबसूरत किस्म का पॉइंट है और वहाँ पर खड़े होकर आप पूरे कुंडमलीर का जायज़ा ले सकते हैं, बीच को देख सकते हैं और बड़ा ज़बरदस्त किस्म का व्यू बनता है कि एक तरफ समंदर एक तरफ खुश्क पहाड़ से नज़र आते हैं आपको और इसके साथ साथ माहीगीर भी जो है मछलियाँ पकड़ रहे होते हैं, तो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का एक आपको नज़ारा देखने को मिलता है। कुंडमलीर को जैसे ही आप क्रॉस करेंगे तो आपको फील होगा कि आप चढ़ाइयाँ चढ़ें और चढ़ाइयाँ बहुत ख़तरनाक किस्म की हैं, आपको बहुत स्लोली आपको जाना पड़ता है। फर्स्ट टाइम आप एक्सपीरियंस करते हैं कि आप मकरान का कोस्टल हाईवे के ऊपर आप चढ़ाइयाँ स्टार्ट हो गए हैं, तो थोड़ा सा ही क्रॉस करने के बाद कुछ पैच आएगा जो सीधा होगा, फिर देन अगेन आपको पहाड़ों में से गुजरते हुए इन पहाड़ों में आपको ऐसे फील हुआ है कि एक पहाड़ आगे की तरफ जा रहा है और एक पहाड़ पीछे की तरफ जा रहा है, वो बड़ी खूबसूरत किस्म की वो लैंडस्केप आपको नज़र आता है, मैं कहता हूँ कि यार दिल खुश हो जाता है। जैसे ही थोड़ा सा क्लियर होगा आप दोबारा समंदर की तरफ जाएंगे तो गोल्डन बीच आपके लेफ्ट साइड पे आएगा और जैसे ही आप उस बीच को देखेंगे तो आपकी आंखें ठहर सी जाएंगी।